पहला क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित राशि पर समान प्रतिशत दर पर 4 वर्षों के लिए अर्जित साधारण ब्याज और 6 वर्षों के लिए अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे निश्चित राशि है यानी मान लीजिए पी है, दर भी जो है समान दर है आर मान लीजिए, समय जो है बदल रहा है। सबसे पहले 4 वर्ष के लिए अगर साधारण ब्याज निकालें तो ये क्या हो जाएगा, पी आर टी बाई 100, ठीक है, यानी ये आएगा 4 PR/100। अगर 6 साल के लिए साधारण ब्याज निकालें तो ये क्या आएगा, 6 PR/100। दोनों का अनुपात पूछा गया है यानी यहाँ पे 2 साधारण ब्याज आएगा, SI1 SI2 दोनों का अनुपात पूछा गया है। तो अनुपात कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से, 4 PR/100 रेशियो 6 PR/100, 100 100 कैंसिल, PR PR कैंसिल, 4:6 यानी 2:3, ठीक है, 2:3 आपका आएगा उत्तर। तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही है, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा प्रश्न है, 900 रुपये की राशि को 5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज दर पर ब्याज के रूप में 810 रुपये प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। यहाँ पे आप लोगों को टाइम पूछा गया है, ठीक है, पी 900 है, ठीक है, रेट 5%, साधारण ब्याज दिया गया है 810, ठीक है, तो आप लोगों को निकालना है समय। तो साधारण ब्याज बराबर पी आर टी बाई 100, ठीक है, 810 बराबर 900 × 5, टी का मान निकालना है, बट्टे 100, 100 से काट देंगे 9 बार, 9 से यहाँ पे काटेंगे 90, ठीक है, यानी टी का मान आ जाएगा 90/5 यानी 16, ठीक है, कितना समय लगेगा, 16 वर्ष। दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा प्रश्न देखिए, पहले क्वेश्चन की तरह है, एक निश्चित मूलधन पर 8 वर्ष के लिए 21% प्रतिवर्ष की दर से अर्जित साधारण ब्याज और उसी मूलधन पर समान दर से 21 वर्ष के लिए अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा। एक बार 8 वर्ष के लिए साधारण ब्याज है और एक बार 21 वर्ष के लिए, ठीक है, रेट आपका समान है, मूलधन समान है। तो सबसे पहले 8 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, पी आर टी बाई 100, तो पी आर यानी 21% है, टी 8 है, बट्टे 100, ठीक है, और 21 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, पी गुड़े 21 गुड़े 21 बट्टे 100, दोनों का अनुपात पूछा गया है, 100 100 से कट जाएगा, 21 21 से कट जाएगा, पी पी से कटेगा, तो क्या बनेगा, 8:21, ठीक है, अनुपात आपका क्या बनेगा, 8:21। पहला वाला ऑप्शन आपका सही है, 8:21। चौथा प्रश्न है, एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, उसी राशि पर 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज से 60 रुपये कम है राशि है। ध्यान से देखा जाए इसे आप लोग ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे 4 से 5 सेकेंड में। सबसे पहले दिया गया है 12% वार्षिक दर से, ठीक है, 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज है। अगर कोई राशि P मान लें तो 12% वार्षिक दर से है, तो 2 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, P का 24% हो जाएगा, साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, P का 24% 2 साल के लिए। अब यहाँ से देखिए, उसी राशि पर 3 वर्ष के लिए यानी उसी राशि पर 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से, यानी 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से, यानी पी का 30%, 1 साल का 10% है तो 3 साल का 30%। अब यहाँ पे दोनों का अंतर क्या है, 60, यहाँ पे दिया गया है साधारण ब्याज से 60 रुपये कम है, यानी पी का 30% माइनस पी का 24% बराबर 60, ठीक है, पी 30 माइनस 24, ठीक है, जो भी आएगा आपका प्रतिशत में आएगा, बराबर 60, यानी P का 6% बराबर 60। यानी यहाँ पे इसका मतलब ये है, राशि का 6% उसका मान जो है 60 रुपये है, ठीक है, P
का 6% बराबर 60 काट देंगे तो 1% क्या आएगा, 1% का मान आएगा 10, तो P का 100% यानी ये आएगा आपका 1000। यानी राशि कितनी है, 1000 रुपये। ठीक है, फिर से देख लीजिए, राशि जो है सेम है। तो 2 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 24%, मूलधन का 24%। ठीक है, अब 3 साल के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, पी का 30%। अब इन दोनों का अंतर जो है 60 के बराबर है, पी का 30% माइनस पी का 24% बराबर 60, तो आएगा पी का 6% बराबर 60, यानी पी का 100% बराबर 1000। तो ये थी 3 से 4 साधारण ब्याज वाली सवालें। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा।